मेकअप है ए, अगर आपको बहुत ही जल्दबाजी है तो आप इस टाइप का मेकअप कर सकते हैं। एंड इस मेकअप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्कूल गर्ल है, कॉलेज गर्ल है और कॉलेज का टीचर है और स्कूल का टीचर है, तो जिसका बहुत ही जल्दबाजी रहते हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि उसको दिन भर एक ग्लोई दे फेस को, रिफ्रेश लगे फेस को। तो इसीलिए मैंने मेरी आज इस वीडियो के अंदर मेकअप एंड एक सिंपल हेयर स्टाइल जो मैंने अभी कर रही हूँ इसको ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए पहले मैंने स्टार्ट कर रही हूँ मेरी हेयर स्टाइल से। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक पफ कर रही हूँ। तो पफ कैसे करते हैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो मेरे बहुत दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जो कर रही हूँ कि सिंपली बैक कॉम्ब कर रही हूँ पीछे पे, एंड एक नॉर्मल जो पॉनीटेल बोलते हैं तो एक पॉनीटेल बना रही हूँ। इससे ही आपको लुक्स को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश रखते हैं। तो आपके हेयर के हिसाब से पॉनीटेल को बांध सकते हैं और साथ साथ कोई क्लिप से भी इसको अटक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रबर बैंड से इसको बांध रही हूँ। रबर बैंड यूज करने से हेयर फॉल कम होती है। तो देखिए 1 मिनट से ही मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। पूरी हेयर स्टाइल खत्म होने के बाद मैंने सिर्फ सामने से पफ को थोड़ा सा पुल कर रही हूँ और भी हेयर को पफी एंड स्टाइलिश दिखने के लिए। तो देखिए मेरी हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अभी मैंने स्टार्ट करूंगी मेरी फेस मेकअप। तो फेस मेकअप के पहले ही आपको आपको स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। तो मॉइस्चराइज कर लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम और कोई सनस्क्रीम और अगर आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स बीबी क्रीम को अच्छे से लगा रही हूँ। तो इसका रिव्यूज़ अगर आप चाहे तो मैंने आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी इसका रिव्यूज़ भी शेयर कर दूंगी। तो देखिए मैंने अभी लगाऊंगी सनस्क्रीन पाउडर, क्योंकि ये तो समर सीजन आ चुकी है एंड समर सीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना है, तो वो लगाने से आपको स्किन सन से प्रोटेक्ट होगा। तो देखिए मैंने अभी वही जो ब्रश पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया वही ब्रश से ये सनस्क्रीन पाउडर को अच्छे से लगा रही हूँ। ये ब्रश आपको कहाँ से मिलेगा एंड कम प्राइस पर मिलेगा, ये अगर जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैंने जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी। तो मैंने तो आप लोगों के साथ पहले ही बोल दिया कि ये वीडियो वो पर्सन के लिए जो वर्किंग पर्सन है, वर्किंग वुमेन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन पे ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया। तो अभी लगाऊंगी आई शेडो। तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन के ब्राउन आई शेडो लगा रही हूँ। ये लाइट ब्राउन कलर है एंड ये मैंने जो ब्रश से यूज़ कर रही हूँ वो ब्रश का भी आप चाहे तो रिव्यूज़ मान सकते हैं मुझे, मैंने इसका भी रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। स्कूल और कॉलेज पे ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए मैंने एकदम स्किन के ऊपर बेस करके मेरा जो स्किन कलर है उसके उससे डिपेंड करके ये आई शेडो को लगाया। जो एक्सेसिव पाउडर है आई शेडो पाउडर, तो उसको मैंने वो पहले जो ब्रश यूज किया उससे निकाल दिया। अभी करूंगी आईब्रोज, एंड आईब्रोज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल आईब्रो पेंसिल लिया। आप किसी भी कंपनी का ये आईब्रो पेंसिल को यूज कर सकते हैं। आईब्रोज करने का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कि अगर आपको आईब्रोज अच्छे से शेव नहीं किया है तो आप ये आईब्रो पेंसिल से अगर आईब्रोज करेंगे तो आपको फेस ज़्यादा अट्रैक्टेड लगेगा, आपको आईज भी ज़्यादा अट्रैक्टेड लगेगा। अभी मैंने वही सेम आईब्रोज पेंसिल से ही आईज के बाहर पे एक लाइन कर रही हूँ, जो लाइन करने से आईज ज़्यादा बिग लगेगा एंड फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दिन भर आईज को एक काजल बाहर नहीं आएगा। मैंने यूज करूंगी सिंपल काजल। तो मैंने यहाँ पे L18 का काजल का यूज कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही एक फेवरेट काजल है एंड ये स्मच भी नहीं करते हैं, स्मच प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसका रिव्यूज पाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इस मैंने इसका रिव्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड स्कूल कॉलेज का मेकअप पे आई लाइनर नहीं लगाना चाहिए। अभी जाऊंगी लिपस्टिक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे APK की एक मैट लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ जो मेरी ड्रेस के साथ बहुत ही मैचेबल है। तो आप चाहे तो कोई पिंक शेड और कोई न्यूट शेड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो देखिए मुझे अभी ख़त्म हो चुकी है मेरी कंप्लीट मेकअप। तो देखिए एकदम सिंपल मेकअप है बट उसके बाद भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो इस टाइप से मेकअप कर सकते हैं एंड जो दिन भर ऐसे ही रहेगा आपको समर सीजन पे और समर पे सांस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, आपको ये मेकअप एकदम इंटैक्ट एंड ग्लोई रहेगा। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगी है एंड अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कॉमेंट भी कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर भी कर सकते हैं। एंड पहले बार अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है, या फिर जो राउंड अप आ गया है इसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ठीक है, एंड बाय बाय।